माझं पुणे माझी शान, पुणे मेट्रो माझा अभिमान। सन 2016 में इस प्रकल्प का भूमि पूजन हुआ और आज उद्घाटन होने जा रहा है। इन दोनों समारोह के प्रमुख अतिथि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारा सौभाग्य। कोविड जैसी वैश्विक महामारी का संकट होते हुए भी महा मेट्रो टीम दिन रात मेहनत करके प्रकल्प को पूरा करने में कामयाब हुई है और आज 12 किलोमीटर मार्ग यातायात के लिए शुरू हो रहा है। ये गर्व की बात है और बचे हुए मार्ग का काम भी 75% पूरा हुआ है। एग्रीकल्चर ग्राउंड से स्वारगेट तक का भूमिगत मार्ग का काम भी जल्द गति से हो रहा है। आज दो मार्ग से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। पीसीएमसी से फुगेवाड़ी तक और वनाज से गरवारे तक कुल 10 स्टेशन से यात्री सफर कर सकते हैं। पुणे मेट्रो के स्टेशन की रचनाएं शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक धरोहर को ध्यान में रखकर की गई हैं। मेट्रो प्रकल्प पर्यावरण के दृष्टिकोण से परिपूर्ण कहा जाएगा। तकरीबन 2267 पेड़ वृक्ष पुनर्रोपण, 17986 नए पेड़ लगाए गए हैं। बायोडाइजेस्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा है। 3.8 लाख क्यूबिक मेट्रिक कचरे को निकालकर उसी जगह मेट्रो कार डेपो का विहंगम निर्माण और मेट्रो गतिविधियां चलाने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, ऐसी कई सारी विशेषताओं से प्रकल्प उभर रहा है। पुणे देश का सबसे अधिक टू व्हीलर वाला शहर, पर अब मेट्रो सेवा आने से पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं पर बड़े तौर पर राहत मिलेगी। मेट्रो के साथ लोकल ट्रांसपोर्ट को जोड़ने से मल्टी मॉडल सफर करना भी आसान होने जा रहा है। इसी वजह हर प्रकार के यात्री, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, दिव्यांग, बच्चे सभी सरल और सुरक्षित सफर कर सकते हैं। 5D बीम प्रणाली के साथ साथ मेक इन इंडिया उपक्रम में देश का पहला वजन में सबसे हल्का एल्यूमिनियम कोच पुणे मेट्रो कोच साबित होगा। ये बड़े गर्व की बात है। तत्कालीन प्रधान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली मेट्रो के रूप में एक आधुनिक एवं विश्व स्तरीय शहरी परिवहन की नींव रखी थी। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम जन जन की आकांक्षाएं पूरी करने एवं नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रेसर हैं। जहां वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर ऑपरेशनल था, वहीं आज पुणे शहर के 12 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के जुड़ने से देश में 754 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क चालू हो गया है। पिछले 7 वर्षों में 500 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क चालू किया गया है। इसके अलावा विगत 7 वर्षों में 2,75,000 करोड़ लागत के नए मेट्रो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। आज देश में 1,025 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर निर्माण कार्य चल रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहर में फैला मेट्रो का प्रकल्प आज नागरिकों की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। हम सभी के लिए अभिमान और गौरव का क्षण है। जय हिंद।